नमस्कार, राज्यों का फैसला इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अनंत भट्ट। तो शुरुआत हम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। तस्वीर लगभग अब साफ हो चुकी है अनंत, और सुबह से पल पल की तस्वीरें और खबर हम आपको इससे जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। तो हरियाणा में बीजेपी इतिहास अब बनाने जा रही है, और इतिहास क्यों बन रहा है? क्योंकि 52 साल बाद कोई सरकार लगातार तीसरी बार बनती नजर आ रही है एक ही पार्टी की, जिसकी अगुवाई में सरकार बनने जा रही है, वो है बीजेपी। हरियाणा के शहरी वोटरों ने कांग्रेस को खारिज कर दिया। शहरी हरियाणा में बीजेपी को 30 में से 21 सीटें मिलती लग रही हैं, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और गांवों की अगर बात करें तो गांवों में बराबरी की टक्कर यहां पर दिख रही है। हालांकि भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार उनकी ही बनने जा रही है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पहले हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके और काफी मेहनत उन्होंने इस चुनाव में की थी, वो क्या कह रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं उसको सुनते हैं। सर, आप इतने सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक, आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता है उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए कहता है अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हो गई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हो गई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है, वहाँ जीत, हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा दो, मैं इलेक्शन कमीशन हुआ तो डाटा अपडेट करें, और जैसे मैंने कहा ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी आप सुन रहे थे, और लगातार हम पल पल का अपडेट दे रहे हैं। टैली जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके जरिए आपको पता चल रहा है कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटों पर आगे है, जीत चुकी है, बढ़त बनाई हुई है। सीधे रुक करेंगे, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोरंजन भारती हमारे साथ हैं और इसके अलावा रवीश हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम मनोरंजन भारती का रुख करेंगे। मनोरंजन, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बातचीत की है, उनकी बातों से क्या लगा? क्या अभी भी वो इस उम्मीद पर कायम है कि जीत उनकी होने जा रही है, सरकार वो बनाने जा रही है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की शैलजा तो हार मान चुकी है? जी हाँ, निश्चित रूप से, और आपसे थोड़ी देर पहले की बातचीत है, ये बहुत ज़्यादा देर पहले की बातचीत नहीं है। आशीद, आप सिर्फ आधे घंटे पहले वो यहाँ पे दफ्तर में आए थे, और जब उन्होंने पहले अपना एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हमें अभी भी उम्मीद है, काउंटिंग धीरे हो रही है, कई जगह 10 ही राउंड की काउंटिंग हुई है। तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आप 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इतने सीनियर लीडर हैं, दिन के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप सरकार बनाने वाले हैं या आपको बहुमत मिलने वाला है? इस पर उन्होंने कहा कि उनको अभी भी भरोसा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उनको कहीं से फीडबैक मिला होगा इस बारे में, और उसके बाद वो स्टेटमेंट देने के बाद वो यहाँ से जा चुके हैं। ये जो रोहतक का जो ये चुनाव कार्यालय आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताऊँ, अंदर की बात बताऊँ तो बड़े बड़े TV लगाए गए हैं, लोग यहाँ पर देख रहे हैं बैठ के, अंदर भी व्यवस्था की गई है, तो बहुत सारे लोग यहाँ जमा हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा कि चूक कहाँ हुई है। यदि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय महान भी हार जाते हैं, जो कि एक दलित है, तो क्या जो एक दलित वोट का जो पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस को मिला था, क्या इस बार उसने साथ छोड़ दिया, या फिर शैलजा को लेकर के जो कन्फ्यूजन बना हुआ था, या उनके बयानों के वजह से जो कन्फ्यूजन बना उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस ने अच्छा किया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी पकड़ बरकरार रखी है, तो क्या उसका नुकसान हुआ? क्या जो इन लोगों ने 2 सीट ली है, तो क्या जाट वोट में भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने एक बार फिर से सेंध लगाई है? ये सारी चीज़ों पर कांग्रेस को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। और बाबा, आपने जो इंटरव्यू अभी दीपेंद्र हुड्डा, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लिया था, उनके चेहरे पर मायूसी दिख रही थी। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ हैं बीजेपी मुख्यालय में। रवीश, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार कर रहे थे, हरियाणा के कई जिलों में आप घूमे हैं, एग्जिट पोल हमने देखा जो आए उसके
नतीजे, लेकिन जो आज नतीजों में तब्दील होते हुए रुझान फिलहाल दिख रहे हैं, क्या ये बीजेपी के लिए प्रत्याशित था, अप्रत्याशित था, और आपको भी ग्राउंड पर क्या दिखा था? रवीश, आपका ऑडियो अभी हमें नहीं मिल रहा है। जी जी, आपसे हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी बोलिए रवीश। मैं घूम रहा था तो ना तो मुझे बीजेपी के खिलाफ कोई बहुत बड़ी गुस्सा या नाराजगी दिख रही थी जमीन पर, और ना ही कांग्रेस के लिए उतनी बड़ी कोई लहर दिख रही थी। यही था कि टक्कर, एक सियासी टक्कर जो है वो बहुत ही जबरदस्त थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिना खर्ची बिना पर्ची की योजना थी बीजेपी का, उसका एक प्रभाव नजर आ रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिले जो ये कह रहे थे कि ये ऐसा पहली बार है कि जब उनके गांव के लोगों को बिना सिफारिश के या बिना पैसे के जो है वो नौकरियां मिली हैं। तो यही वजह है कि जो मिठाई, जो लड्डू और जलेबी आज आप सोचिए कि कांग्रेस के दफ्तर में 9 बजे तक बट रही थी, वो अभी परिणाम आने के बाद बीजेपी के मुख्यालय में बट रही है। ये बीजेपी का मुख्यालय है और यहाँ पर तमाम सारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी जो बताऊं कि 10 बजे तक शायद बीजेपी के भी जो बड़े नेता हैं वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि उनको हरियाणा में इतनी बड़ी जीत मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारा ऐसा साइलेंट वोटर था और जो कांग्रेस के भीतर बिखराव था उसके वजह से ये कंसोलिडेट जो है बीजेपी के ओर हुआ। बीजेपी ने ये भी कहा था कि वो हर महिला को 2100 रुपया देंगे, इसके बाद में अग्निवीर से जो भी रिटायर्ड हो रहा है उसको वो सरकारी नौकरी पक्की देंगे। तो ये सारे कहीं ना कहीं जो काम है, और फिर ये बीजेपी ने कहा कि 1,57,000 जो रोजगार है उसको सरकारी नौकरियों का आवेदन तुरंत निकालेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, रवीश आपके पास आते हैं, मनोरंजन से भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ प्रदीप भंडारी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं, और चनिका उनियाल हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगी। सबसे पहले मैं प्रदीप भंडारी का रुख करना चाहूंगा। प्रदीप, सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है हरियाणा के जो रुझान इस समय आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि पार्टी इस बार हरियाणा को लेकर उतनी वोकल नहीं थी, जीत के दावे कर रही थी, लेकिन नतीजा इस कदर आएगा कि सबसे बड़ी जीत यहां पर आप ले पाएंगे, 2014 से बड़ी, 2019 से बड़ी, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, इसकी एक ही वजह है कि हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। जब आप विकास की राजनीति करते हैं तो आपको हर जाति हर बिरादरी का वोट मिलता है। इस चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी मीडिया में ये कहा करती थी कि भाई महिलाएं, दलित, जाट, गरीब कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। आज नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जाटों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, दलितों ने भी बीजेपी को वोट किया है, महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट किया है, पहलवानों ने भी बीजेपी को वोट किया है। आज कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी है, जो झूठ की दुकान है, उसको जनता ने रिजेक्ट किया है। अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे, हरियाणा के अंदर कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई 10 साल की भी सरकार चला ले। हमने 9 साल 11 महीने तक सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हरियाणा की गवर्नमेंट चलाई। सबने हमको इस इलेक्शन के पहले ही रिजेक्ट कर प्रदीप, दिया था। आपने पहलवानों का जिक्र किया प्रदीप यहाँ पर, पहलवानों के जिक्र से ही मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि एक सिंबल के तौर पर विनेश फोगाट का चेहरा पहलवानों के रूप में सामने रखा गया हरियाणा चुनाव के दौरान। विनेश फोगाट अपनी सीट पर लगातार बढ़त बनाती रहीं और आगे चलती रहीं। आपके कैलाश बैरागी उनसे माफ कीजिएगा, आपके जो जो कैप्टन बैरागी थे वो उनसे पीछे चलते रहे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब मैं पहलवानों की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि पहलवानों को एक राजनीतिक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करने की बात कहता हूं। कोई चुनाव जीते, अगर विनेश जी चुनाव में आगे जीते उनको मेरी तरफ से बधाई, परंतु अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ये कहा जा रहा था कि भाई पहलवानों के कारण हरियाणा की जनता हमें वोट नहीं करेगी, ये कहा जा रहा था कि जाट हमको वोट नहीं करेंगे। अगर आप ओवरऑल स्टडी करेंगे, जाट डोमिनेटेड पॉकेट्स के अंदर भी हमको वोट पड़ा है, ऐसा नहीं कि हमको वोट नहीं पड़ा है। और जितने गरीब तबके पर आप आएंगे उतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है, क्योंकि जो हमने गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट्स पहुँचाए, जो हमने सहायता करी है, जो हमने सुविधा दी है, जो हमने विकास किया है,
उसके कारण गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और गरीब आदमी कोई ऐसे वोकल नहीं होता है माइक पर अगर आप जाके करते हैं, परंतु गरीब आदमी को पता है कि अगर कांग्रेस पार्टी कंपेयर करें और बीजेपी कंपेयर करेंगे तो बीजेपी उन्होंने ज्यादा काम देखा है। और एक बड़ी बात कहूंगा 10 सेकंड में, जिससे अपनी बात को एंड करूंगा, कि अगर आप एक डीपली स्टडी करेंगे, सिर्फ बात हरियाणा तक सीमित नहीं है, कोई भी राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की रिपीटेड राज्य सरकार होती है। आप उड़ीसा के अंदर देखिए, कोई हमको नहीं मानता था हम सरकार में, मध्य प्रदेश के अंदर हम रेगुलरली गवर्नमेंट में रहे, और हरियाणा में आप तीसरी बार आए। इससे बार स्पष्ट हो गया है कि हम एक प्रो इनकम्बेंसी गवर्नमेंट है। जो आप एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं कि भाई 10 साल सरकार हो गई एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, बीजेपी पे लागू नहीं होती, ये कांग्रेस पार्टी पे लागू हो सकती, तभी 2011 के बाद कांग्रेस एक भी राज्य सरकार में वापस नहीं आई। जी, हमारे साथ चयनिका उनियाल भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। चयनिका, यहां पर आपने प्रदीप जी को सुना, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है उसके खिलाफ वहां पर एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकारों में नहीं होता बल्कि प्रो कम्बेंसी देखने को मिलती है। इस बार का चुनाव, हालांकि अभी ये रुझान है और कुछ वक्त में नतीजों में तब्दील होगा, ऐसा परसेप्शन ये लग रहा था कि बीजेपी से जाट समुदाय नाराज है, किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे थे, लेकिन ऐसा अब ये जो नतीजे आते हुए दिख रहे हैं उसमें दिख नहीं रहा है। आपको लग रहा है कहाँ चूक गई कांग्रेस? ये देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि ये जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट के लिए हमें 4 बजे तक तो वेट करना चाहिए, क्योंकि 500 सीटें ऐसी रही हैं जिनमें मार्जिन बहुत कम है। जब मार्जिन कम होता है तो आपको आखिरी वक्त और बहुत कांटे की टक्कर जब लग रही हो तो आखिरी वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाजपा जो है वो गरीबों की बात कर रही है, महिलाओं की बात कर रही है, लेकिन इसी भाजपा को 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव थे 2024 में, तब जनता ने नकारा था। अगर और लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो नकारा था, ये नहीं कह सकते चयनिका, नकारा नहीं कह सकते, तो कांग्रेस से आया थे। जी, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 आपको मिली थी, 5 बीजेपी को मिली थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को नकारा था, बराबरी पर रहे थे। ये भी तो देखिए कि बराबरी पर रहे, पर आप ये भी तो देखिए कि जो 10 सीटें थी उनमें से 6 या 7 सीटों पे ऐसे उम्मीदवार थे बीजेपी के जो कांग्रेस के पूर्व नेता थे, इनके पास अपने नेता तक नहीं थे चुनाव में उतारने के लिए। आते हैं प्रदीप आपके पास, मेरा 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 सवाल चयनिका, क्यों करने पड़े चयनिका, मेरा सवाल एक आपसे है, इन रुझानों के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस जब हरियाणा चुनाव में गई तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ थी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा तो क्या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई? क्या अति आत्मविश्वास कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसमें नुकसान पहुंचा गया? देखिए, मैं ये कहूँगी कि कांग्रेस जो है अपनी नीतियों के साथ, जो नीतियाँ आम जनता के हित में हैं, गरीबों के हित में, उन्हीं नीतियों के साथ जाती है। कई बार आपको लगता है कि जनता तक आप शायद अपनी नीतियों को अच्छे से ना पहुंचा पाए हो, उसका परिणाम हो, वो क्या परिणाम है वो तो आप रिजल्ट पूरा आने के बाद ही उसका आकलन कर सकते हैं। अब जबकि आपकी गणना जारी है और हम परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, उस समय में आकलन निकालने की कोशिश करना, मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। चलिए, आप कह रहे हैं अभी थोड़ा वक्त और चाहिए, 4 बजे तक आप चाह रहे हैं इंतजार करना, यहाँ पर प्रदीप आप अपनी बात करिए, और साथ ही आपसे समझना चाह रहे हैं अब जबकि ये रुझान आपके पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, हमने देखा हरियाणा में करीब करीब 9-9.5 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, आपके एक आखिरी के 6 महीने में आपने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, अब आगे क्या? देखिए, मैं पहले 10 सेकंड में जवाब देना चाहूंगा, ये जो क्लोज मार्जिन सीट्स की बात हो रही है, अगर आप अपनी डेटा टीम को बोलेंगे कि इस क्लोज मार्जिन सीट्स को स्टडी करें तो इन क्लोज मार्जिन सीट्स में 55-45 के रेशो से या तो कभी बीजेपी आगे या कभी कांग्रेस आगे है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये नतीजे जो है उलट हो जाएंगे। उलटते नतीजे तब हैं जब क्लोज मार्जिन सीट्स के अंदर 70-80% एक पार्टी आगे होती है, दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है, जैसे आपने कहा आगे क्या होगा, हमने स्पष्ट करा था कि हम जो है डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांग रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी हमारे फेस है, जिसके बारे में हमारे पार्टी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था, हम अब इंश्योर करेंगे कि तीसरी बार जब आए, जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में जो मैनिफेस्टो बना है, बात करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूँ, उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने
मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाना की जलेबी, कोहाना की जलेबी की फैक्ट्री, ये मैं बात अलग से करूँगा। नायब सिंह सैनी को आपने सुना, काफी उत्साहित, काफी खुश नजर आ रहे हैं और धन्यवाद किया है जनता का। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हमने जीता है। प्रदीप जी, अभी आप कह ही रहे थे कि नायब सिंह सैनी जी का चेहरा सामने रख के चुनाव जीता गया, आप किस मैजिक को मानते हैं इस हरियाणा में जो आप जीतते हुए दिख रहे हैं? देखिए, अगर मैं आपको दो बातें कहना चाहूंगा, पहली बात जी, प्रदीप जी बताएं। जी, मैं ये कह रहा था, हमारा कोई भी अलग फॉर्मूला नहीं होता है। हर स्टेट में हमारा एक बेसिक कांस्टेंट रहता है कि जो हमने विकास के कार्य करे हैं वो विकास के कार्य को लेकर हम जनता के बीच में जाए। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक रणनीति हमारे जो स्टेट के इंचार्जेस होते हैं, जिनको जिम्मेदारी मिलती है, वो बनाते हैं। पर हम हर स्टेट में अगर आप देखेंगे, हम पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी पे बात नहीं करते, हम पॉलिटिक्स ऑफ पॉजिटिविटी पे बात करते हैं। हम बताते हैं हमने क्या किया, हम आगे क्या करेंगे। तभी मैं आपसे कहूंगा, आप स्टडी करेंगे कि 2014 के बाद से जितनी भी हम लोग ने हर इलेक्शन मिथ को और हर इलेक्शन ट्रेंड को बस्ट किया है। ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति 3 बार सरकार रिपीट नहीं कर सकता, हमने 14, 19, 24 में करा। इसके बाद जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, ये कहा था गया था कि इतने सरकार हो गए, एंटी इनकम्बेंसी हो गई, फिर भी हम 2023 में आए। 2023 का छत्तीसगढ़ इलेक्शन में एनडी टीवी में ही साथ में था, उस वक्त कहा गया था कि भाई छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार का ही एनलिस कह रहे थे हुए, हमने उस ट्रेंड को भी बस्ट किया और छत्तीसगढ़ के अंदर भी हमने सरकार बनाई और अब हमने हरियाणा के अंदर भी सरकार बनाई। आ रहे प्रदीप आपके पास, आ रहे हैं, आपने विकास कार्यों का जिक्र किया आज, क्योंकि हरियाणा के भी नतीजे आ रहे हैं आज, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भी नतीजे आ रहे हैं। इसी विकास के बिंदु पर मैं आपसे जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जलेबी का जिक्र यहां पर कर लेते हैं। जलेबी को लेकर खूब पॉलिटिक्स हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली। अब हरियाणा में जो नतीजे, जो रुझान सामने आए हैं, उसके बाद बीजेपी मुख्यालय में क्यों बांटी जा रही है जलेबी, इसी के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन। बट रही थी, लेकिन 9 बजे के बाद में सियासी तस्वीर बदल गई। बीजेपी का मुख्यालय है, यहाँ पर जलेबी और लड्डू यहाँ पर बट रहा है। तमाम सारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और 100 किलो जलेबी को, केसरी जलेबी का ऑर्डर किया गया है। इसके बाद में आज शाम को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में एक यहाँ पर संबोधन होगा, क्योंकि हर चुनाव के बाद में जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ पर आते जरूर हैं। अगर चुनाव में जीतते हैं तो जरूर प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं। और आज सुबह से ये जो जलेबी है ये कार्यकर्ताओं के बीच में बट रही है। ये बटना था आज सुबह तक, देख रहे थे 9 बजे तक कांग्रेस के दफ्तर में जलेबी छन रही थी। ये कहा जा रहा था वो लोग प्रधानमंत्री को जलेबी भेंट करेंगे और यहाँ जलेबी आपको। देखिए, हरियाणा की जनता को और देश की जनता को बता था कि हरियाणा में कुछ का अपना कमल खिलने जा रहा है, जोरों से हरियाणा बचने जा रहा है। राहुल गांधी और सब जो चोर थे और विपक्ष के नेता थे, बैठे थे, गठबंधन कर रखा था, वो गठबंधन नहीं ठगबंधन था। उन्होंने उनके मुंह में जलेबी नहीं, उनके मुंह में तो लड्डू भी नहीं दिया। तो यहाँ कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जलेबी खा रहे हैं। तो जलेबी की बात करें, जलेबी भाजपा कार्यकर्ता खा रहे हैं यहाँ सारे सारे। जस्ट है वो आप देखिए कि दिल्ली के बीजेपी के जो मुख्यालय है यहाँ पर शुरू हो चुका है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पूरा चुनाव प्रचार था
बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था, कई सारी उसमें बातें सामने आ रही थी। आज सुबह से हमने देखा था कि लगातार जो है वो कांग्रेस के दफ्तर में जश्न का माहौल था, लेकिन वही है कि कई ऐसे चुनाव होते हैं जहां पर लड्डू कई बार बने रह जाते हैं लेकिन उनको बांटने का मौका नहीं देती है देश की जनता। तो यही आज हुआ कि जलेबी जो है वो कांग्रेस के मुख्यालय में बनती रह गई, लेकिन बट अभी जो है वो बीजेपी के मुख्यालय में रही है, क्योंकि बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा की जनता ने मौका दिया है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो यहाँ पर रवीश को आपने सुना, जलेबी की काफ़ी चर्चा भी हुई थी अनंत हरियाणा के चुनाव में, और चयनिका से हम इस बारे में बात भी करेंगे क्योंकि हरियाणा में हरियाणा संकल्प यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी आखिरी के 3-4 दिन, और काफ़ी चर्चा हुई थी, लेकिन उसका असर क्या रहा हम चयनिका से बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं हरियाणा में किस तरह से ये माना जा रहा है कि मोदी मैजिक यहाँ पर काम किया है, क्योंकि यहाँ पर SC जातियों को जोड़ने की एक रणनीति पूरी तैयार की गई, गैर जाट वोटरों को लामबंद यहां पर किया गया, और गैर जाट खट्टर और सैनी को उससे पहले हमने देखा CM बनाया गया। SC सीटों में बीजेपी को काफ़ी फायदा यहां पर पहुंचा है, 2019 की बात करें तो 29% SC सीटें वहां पर बीजेपी ने जीती, और 2024 में अभी 52% उन सीटों पर बढ़त बीजेपी ने बना रखी है। जाट भी बीजेपी के साथ आए हैं, ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस जो है जाटों का वोट पूरा का पूरा ले जाएगी, लेकिन यहाँ ये नतीजा अभी फिलहाल जो दिख रहा है एक रुझानों में कि जाट भी बीजेपी के साथ आए हैं। 2019 में 30% जाट जो है सीटें बीजेपी ने जीती थी, और 2024 में 51% जाट सीटों पर बढ़त अभी बीजेपी ने बना रखी है। बिल्कुल, ये मोदी मैजिक का पूरा समीकरण जया ने आपको समझाया, और इस समय हम सीधे गेस्ट के पास रुख कर लेते हैं। प्रदीप, मैंने जिस पॉइंट पे आपको छोड़ा था, आप विकास की बात लगातार कर रहे थे कि सरकारों के पक्ष में मतदान होता है, हमारी सरकारों के पक्ष में, मैं बात जम्मू कश्मीर की यहाँ पे कर लेता हूँ। हालांकि चर्चा हरियाणा पे हो रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक पॉइंट मैं यहाँ पे जोड़ूंगा। लगातार केंद्र सरकार की योजनाएं वहां पर लागू हो रही थी, 370 आपने हटाया, 35 आपने हटाया, विकास कार्य की आप लगातार ये दावा कर रहे थे कि मुख्य धारा में युवाओं को लाया जा रहा है, विकास की बयार बह रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, तो फिर वहां का नतीजा आप उसको किस तरीके से देखते हैं? वहां पर तो वो फेवर जो आपके पक्ष में नतीजा नहीं आया। नहीं, जम्मू कश्मीर का नतीजा भी हमारे पक्ष में ही आया, बहुत पॉजिटिव नतीजा है। अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर देखेंगे, हमारा हिस्टोरिक बेस्ट 25 सीट्स का था, अभी जो आंकड़े दिखा रहे हैं हम 29 सीट्स पे लीड कर रहे हैं। अगर आप वोट शेयर देखेंगे 26% का वोट शेयर हमारा है, NC का वोट शेयर 23% का है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। हाँ, अगर के ये नतीजे से रहते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वैली के अंदर कंसोलिडेट करी है, परंतु अगर दो मेन स्ट्रीम पार्टीज की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, हम 3 गुनी सीट्स पे कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा जीते हैं, 3 गुना हमारा वोट शेयर है और हमारा हिस्टोरिक बेस्ट। लेकिन सवाल तो प्रदीप ये भी है ना कि आप जम्मू संभाग तक ही सीमित हैं, आप कश्मीर रीजन में गए नहीं, वहां पर उस तरीके से आपने फाइट नहीं किया, ये सवाल तो ये भी उठेगा क्या एक जम्मू रीजन तक सीमित रह के आप उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं? देखिए, मैं इस बात पे भी डिसएग्री करता हूं। देखिए, कोई भी पार्टी कोई भी जगह पे तब जीतती है जब उसके बेस वोट के साथ में उसके पास में इतना वोट होता है कि वो एक वोट को सीट में कन्वर्ट कर पाए। कश्मीर वैली में हमारे पास बेस वोट नहीं था, इस बार हमारा बेस वोट बिल्ट हुआ है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, बुरेस करके एक सीट आती है जम्मू कश्मीर और उसके अंदर, जहाँ 90% से ज़्यादा जो आबादी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की, वहाँ हिस्टोरिकली हम कभी भी उसका हमारा 100 वोट नहीं आते थे। अगर आप स्टडी करेंगे, इस बार उस सीट को सिर्फ हम 1100 वोट से हारे हैं, मतलब वहाँ भी हमारा वोट बढ़ा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कश्मीर वैली भी हमारे लिए पॉजिटिव रहा है, आने वाले समय के अंदर हम वहाँ पे सीट्स आगे और जीतेंगे। पर जम्मू में हमारे पास बेस वोट है, जो नतीजे आज दिख रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, कहीं ना कहीं 370 को लेकर, क्या लोगों की ये नाराजगी नहीं प्रकट हो रही? बिल्कुल नहीं प्रकट हो रही है। आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन एक लेटर इन फेथ की बात है, वो कोई भी पार्टी सरकार में आए नहीं आए वो उसको चेंज नहीं कर सकती, ये हमारी नेशनल इंटेग्रिटी की बात है। अगर जम्मू, अगर आप ओवरऑल देखेंगे 26% वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को पड़ता है, जिसके अंदर वोट वैली के अंदर भी पड़ता है, तो ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने भारतीय जनता पार्टी को भी चुना है। अगर कश्मीर 370 की बात सही होती, जब मुफ्ती जी की बेटी चुनाव हार गई है, वो तो कह रही थी कि 370 अगर वो आएंगे तो वो 370 को वापस ले आएंगे और 370 को वापस ले आएंगे। आते हैं प्रदीप जी, अभी हमें ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चयनिका जी से एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा। अगर ये रुझान जो आ रहे हैं, आप कह रही हैं भी थोड़ा सा वेट और किया जाए, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो ये जो डिबैकल हुआ, जो उम्मीद कांग्रेस कर रही थी बड़ी बड़ी, अगर ये डिबैकल इसको माने
तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, किस कौन इसके लिए, क्योंकि लीड हुड्डा साहब कर रहे थे, आपकी सेंट्रल लीडरशिप ने भी आके वहाँ पे वो किया, कैंपेन किया, तो आप कौन इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे? देखिए मैं एक चीज़ बोलूँ, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो पहले हो उसके बाद उस पर चर्चा की जा सकती है। और दूसरी बात, जब वोट परसेंट की बात हो रही थी, अगर वोट प्रतिशत के आधार पर आप अच्छा करने की बात कर रहे हैं तो भले ही रुझानों में भाजपा आगे दिख रही हो हरियाणा में, लेकिन वोट प्रतिशत में तो कांग्रेस ही आ गए वहां पे, तो जनता ने वोट तो किया ही है ना, भाजपा से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को वोट किया वहां, वो बात अलग है कि सीटों में वो रुझान में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक है। इसमें एक फैक्टर और भी आता है कि आप किस सीट पर कितने वोटों से जीते हैं, अगर आप एक किसी सीट पर, दो सीट पर, दस सीट पर अगर बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं तो वो भी आपके वोट परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, लेकिन वोट प्रतिशत की बात जम्मू कश्मीर में अगर भाजपा को एक एज देती है तो यहाँ इस हिसाब से तो हरियाणा में कांग्रेस को भी तो एज मिलना चाहिए ना, कि 41% हमारा वोट शेयर है वो बीजेपी के वोट शेयर से ज्यादा है। चलिए चयनिका जी, आप और साथ में प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो नतीजे अब कह सकते हैं कुछ वक्त में नतीजे आ रहे हैं, उसका असर आने वाले वक्त में बिहार में, अगले साल दिल्ली में चुनाव है, झारखंड में है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में है, क्या असर उस पर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, इस पर भी हम अनंत चर्चा करेंगे।